नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आज हम मौजूद है उत्तराखंड की राजधानी में। जी हाँ, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बजट 2022 और 2023 का वित्त बजट जो है वो अब लागू हो चुका है, उस बजट की पेशी हो चुकी है। उसके बाद जो सियासी गलियारों में हलचल थी वो और ज़्यादा तेज़ी से होने लग गई है। जो उत्तराखंड की विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उन्होंने इस बजट को 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र रखा गए बजट को ऐलान दिया और कहा है कि ये शायद कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दाव पेच है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस बार बजट की पेशी में क्या क्या चीज़ों में बदलाव नहीं हुआ और किन किन चीज़ों में बदलाव आया है, और इसके बाद उत्तराखंड की जनता को क्या लगता है कि उनके लिए बजट किफ़ायती है या नहीं, इससे भी हम जनता की राय जानेंगे। तो मैं आपको पहले एक बार बजट का दिखा देती हूँ कि कॉरपोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% कर दिया गया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। डिजिटल करेंसी पर 30% टैक्स, जी हाँ, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसके अलावा इनकम टैक्स लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जी हाँ, इनकम टैक्स लैब पहले जैसा ही है, इसमें कोई चीज़ बदलाव नहीं आई है। तो इसके बाद हम जनता से जान लेते हैं कि उनका क्या राय है कि उत्तराखंड की जनता के लिए क्या ये किफ़ायती है बजट या नहीं। तो सर, आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड की जनता के लिए ये बजट किफ़ायती है, क्या ये आपको आपके लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं? ये बजट खाली कॉरपोरेट के लिए है और किसी के लिए है? इन्होंने जो डायमंड ज्वेलरी वगैरह पे टैक्स वगैरह कम करा है, कौन रोज जाके ये सब खरीद रहा है? ये लोग सिर्फ पब्लिक को पागल बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है। कॉरपोरेट को फायदा है, एक सरसों का तेल या रिफाइंड गवर्नमेंट को कम करना चाहिए, तब जाके उनको फायदा होगा। उस पर टैक्स कम करना चाहिए, उस पर टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं। और डायमंड ज्वेलरी वगैरह कौन खरीद रहा है रोज रोज जाके? तो आप इस बजट को 10 में से कितने नंबर देंगे? ये बहुत जीरो देंगे। जीरो? आपको क्या लगता है कि इस पूरे बजट में से मतलब उत्तराखंड की जनता के लिए या फिर आपके लिए कुछ चीज बेनिफिशियल नहीं? कुछ नहीं है इसमें बेनिफिशियल। आने वाले टाइम पे अभी 10 मार्च को पता लग जाएगा कि इनका क्या हाल होने वाला। तो आपका वोट भी बदल जाएगा इस चीज? वोट तो बदलेगा ही, जो काम करेगा उसको वोट दिया जाएगा। तो आपका वोट किसको जाएगा? हमारा कांग्रेस को जाएगा। अच्छी पार्टी है, सबको लेके साथ लेके चलती है, सबके बारे में सोचती है। और यही सवाल मैं अब आपसे भी पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि ये बजट किस तरीके से जो पेश हुआ है वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं? नहीं, ये 2% का बजट है। नहीं अच्छा है? नहीं अच्छा है। क्यों? इसमें आप 10 में से कितने नंबर देंगे? 2 नंबर। 2 नंबर? हाँ। 2 नंबर देंगे आप कि इसमें कुछ अच्छा नहीं है? 2 नंबर ही लायक बजट है, बाकी कुछ नहीं है। तो आपका वोट किस पार्टी को जाएगा कि ये बजट के बाद तो बदला या फिर पहले से? नहीं, अब वो तो देखा जाएगा, अभी इस बारे में बताना बड़ा मुश्किल है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगा कि जब बजट की पेशी हुई उसके बाद आपके लिए इसमें क्या चीजें बेनिफिशियल रही, आपके लिए कुछ इसमें रेलेवेंट है या नहीं? जिस तरीके से हम एक स्टार्टअप है और हम कोशिश करते हैं किस तरीके से उद्यमिता बढ़ाई जाए, और जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि बहुत सारा अच्छा पैसा मार्केट में डाला जा रहा है, स्टार्टअप के लिए नई उम्मीदें, कोविड से उभर रहा है मार्केट इस वक्त, तो बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। और स्टार्टअप की जिस तरीके से हम बात सुन रहे हैं तो मुझे लगता है कि शायद ये साल काफ़ी अच्छा गुजरे जिस तरीके से पैसा पुश किया जा रहा है स्टार्टअप्स के लिए। तो आपका वोट किसको जाएगा इस बजट के बाद? जी, वो मेरे हिसाब से एक इंडिविजुअल राय है, मतदान हम डेफिनेटली करेंगे क्षेत्र के हिसाब से, जो क्षेत्र का एक युवा प्रतिनिधि हो, एक अच्छा प्रतिनिधि हो, उसको हम वोट करेंगे। तो आपका जो यहाँ पर कैंट साइड जो आपका ये विधानसभा पड़ती है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं सविता कपूर, हरबंस कपूर जी की जो वाइफ है, वो खड़ी हो रही है। तो मेरा वोट इस विधानसभा में नहीं है, तो मैं इस पर तो टिप्पणी नहीं कर सकता फिलहाल। तो फिर आप किस पार्टी को वोट देना? जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार चल रही है और काफ़ी इफेक्टिव काम हुआ है, तो मेरे हिसाब से धामी जी इस वक्त वापस आ रहे हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से वापस आ रहे हैं। अच्छा, तो आपका मानना है कि बीजेपी इस बार सत्ता में आ सकती है? हाँ, धामी जी के नेतृत्व में बीजेपी वापस आ सकती है। अच्छा, तो अब और लोगों से जान लेते हैं कि बजट किस तरीके से लोग देख रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, बजट को जो अभी लागू हुआ है तो उस बजट को आप कितने नंबर देंगे? हम बजट को 5 नंबर देंगे। 5 नंबर? 5 नंबर क्यों? 5 नंबर इसलिए, जो कि ये पॉलिसीज अभी लाई गई है वो आगे फ्यूचर को देख के लाई गई है। जैसे कि अब जैसे पहले इंडिया डिजिटल करेंसी में आया, अब डिजिटल क्रिप्टो करेंसी की तरफ जा रहा है। अब इंडिया अपनी खुद की करेंसी लॉन्च कर रहा है, डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रहा है। एंड बाकी जो बाहर की अभी क्रिप्टो करेंसी है उसमें टैक्स बढ़ाकर 30% तक कर दिया गया है, तो इसमें ये होगा कि इंडिया के लोग अपनी ही करेंसी में ज़्यादा इन्वेस्ट और ज़्यादा खरीदना पसंद करेंगे या बजाय कि बाहर की। तो आपको लग रहा है ये बेनिफिशियल होगा इस बार का बजट?
हो भी सकता है, बाकी आगे देखते हैं क्या होगा। तब भी आपने 5 नंबर दिए। 5 नंबर इसी उम्मीद को दिया है, बाकी और भी चीज़ें हैं जैसे कि डिजिटलाइजेशन के ऊपर बहुत सारा काम किया जा रहा है, और जैसे अब नया सुनने में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ को और बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि यहाँ पे ही मैन्युफैक्चरिंग, हर चीज़ यहीं मैन्युफैक्चर हो, जो बाहर की चाइना की कंपनियाँ वहाँ से कम माल को इम्पोर्ट इंडिया में किया जाए और यहीं पर सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और साथ ही साथ जो बाकी जो इंडिया में अपना एक इलेक्ट्रॉनिक हब भी बनेगा। इस बजट के बाद विचारधारा किस पार्टी की तरफ है आपकी, किस पार्टी को वोट जाने वाला? पार्टी की तो अभी देखते हैं, बाकी उम्मीद तो यही है कि बीजेपी को जाएगा, बाकी आगे तो बीजेपी को आप सपोर्ट करेंगे। तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगी यही सवाल कि जो अभी नया बजट लॉन्च किया गया है तो इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बजट जो नया लॉन्च हुआ है उसमें एज अ व्यापारी अगर मैं बताऊं तो व्यापारियों के लिए तो ऐसा कुछ खास है नहीं उस बजट में, मेन तो किसानों के लिए ही है और कॉरपोरेट के लोगों के लिए ही है, बाकी व्यापारियों के लिए ऐसा कुछ खास है नहीं बजट इस बार। तो आप कितने नंबर देंगे इस बजट को? बजट को मैं 2 ही नंबर दे सकता हूँ। 2 नंबर? और 2 नंबर वो भी क्यों? वो भी इसीलिए क्योंकि हमारे किसान भाई हैं, वो इतने टाइम उन्होंने धरना वगैरह करा है, अब उनके हित में बजट हुआ है तो थोड़ा सा उस वजह से 2 नंबर, लेकिन अपने तरफ से तो कोई नंबर नहीं है। तो आप अपने भाईचारे के उससे कि किसानों ने इतना प्रोटेस्ट किया और उनके लिए जो नई पॉलिसीज का ऐलान किया गया है तो उस पर आप खुश? हाँ जी। तो आपका वोट किस पार्टी को जाए? वोट तो हमारा आम आदमी पार्टी को जाएगा इस बार। आम आदमी पार्टी क्यों? आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी इसलिए क्योंकि दिल्ली में बहुत अच्छा काम करा है आम आदमी पार्टी ने, तो इस बार उत्तराखंड में भी मौका देके देखते हैं, क्या पता अच्छा काम करे। बाकी बीजेपी और कांग्रेस का तो हम हर बार देखते हैं, कभी 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, लेकिन इस बार अगर आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर पाए तो उन्हें मौका देना चाहिए नई पार्टी को। बजट पेश होने के बाद आपका क्या रिएक्शन रहा, कि कैसा लगा आपको बजट? बजट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये सैलरीड क्लास को या रिटायर्ड हम लोग जो है सीनियर सिटीजन है, हम लोगों को कोई बेनिफिट नहीं दिया। अपने लिए नेता लोग सारे कुछ फ्री कर लेते हैं, हमारी टैक्स स्लैब तक को नहीं 50,000 ATC में नहीं बढ़ा के दिया इन्होंने, है सारा बजट जो है ये खाते हैं, ये ऐश कर रहे हैं। नेताओं की बिल्डिंग देख लो, ये नेताओं की बिल्डिंग के बिल्डिंग बनती है। हम लोगों को क्या मिला बजट से? गरीब मतलब एक मीडियम क्लास को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। पेट्रोल देख लो कहाँ जा रहा है, डीजल उसमें कुछ नहीं बोले, गैस सिलेंडर 920 रुपए का, आदमी मीडियम क्लास वाला कहाँ जाएगा? उनके बारे में इनको नहीं सोचना, अपने लिए हो सैलरी बढ़ानी हो सब हाथ खड़ा कर देते हैं। हम लोग 35-35 साल नौकरी करके आए, हमारा पेंशन का केस आज भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही, और इन लोगों के लिए रातों रात खुल जाता है, इनके पे रिविजन भी हो जाते हैं, सब हाथ अपोजिशन वाले भी हाथ खड़ा कर देते हैं। तो आप इस बजट को कितने नंबर देंगे 10 में? 0 नंबर। 0 0, ये गवर्नमेंट फेल है। तो आपका किस पर वोट जाएगा है? किस पार्टी को वोट जाएगा? किसी को नहीं जाएगा, नोटा पे बटन जाएगा, ये सब गधे हैं, ये सब हम लोगों को 5 साल मदारी आ जाएंगे अभी वोट मांगने के लिए, है सुनवाई कहीं नहीं है, कहीं सुनवाई नहीं है। मैं इतना बड़ा सफरर हूँ कि मैं आपसे भी क्या बता दूँ, अगर आपके पास टाइम है तो मैं घर की फोटो दिखाता हूँ, मेरा मकान ढह रहा है लोगों के उससे, नेताओं की वजह से टिल्ड हो गया है। मैंने DM, MD, ये आपके VC, सेक्रेटरी सबसे मिल लिया, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में हो आया, कोई सुनवाई नहीं हो रही, मेरा मकान गिर जाएगा, मैं मर जाऊँगा किसी दिन, और ना हो तो आप मेरी मकान की फोटो देख सकते हैं, आके देख लीजिए मकान ऐसा हो चुका। तो लेकिन कहीं ना कहीं जो अभी बजट की मैंने आपसे बात करी तो बजट को लेकर आपका जो नजरिया था वो 0 पर था, 10 में से 0 आप दे रहे हैं, तो और ना किसी पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं, किसी पार्टी को नहीं देना, तो फिर विकास कैसा होगा? विकास 1964 आप तो पैदा भी नहीं होंगी, मैं तो 66 साल का हो चुका हूँ, उस समय भी हिंदुस्तान रोया था कि नेहरू मर गया हिंदुस्तान नहीं चल पाएगा, कहाँ है 64 से आज 2022 आ गया, हिंदुस्तान चल रहा, आप भी चल रहे हो, वो भी चल रहे हैं, ये भी चल रहे हैं, किसमें इन्होंने वो दिया? और आज की डेट में बजट रह गया, इनको नंबर क्यों दो? बजट तो सिर्फ नाम के लिए रह गया। अभी आप अप्रैल से देखना, अभी से माल हर चीज होल्डिंग हो चुकी है, शुगर अंदर है, सिगरेट अंदर है, सब कुछ अंदर है, ब्लैक में मिल रही है,
जिसकी मर्जी आती है अमूल वाला दूध जो है वो साल में 3 बार बढ़ाता है, बजट किस बात का? तो इनको किस लिए नंबर दो? ये तो पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। पब्लिक बेवकूफ है, वोट देगी, हम नहीं देंगे, किसी पार्टी को नहीं देंगे। तो आप कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ नजर आ रहे हैं? बीजेपी नहीं, मैं सारे कांग्रेस वाले भी ऐसे ही हैं। कांग्रेस वाले कौन से दूध के धुले हुए हैं? हरक सिंह रावत को आप उठा के देख लो, मेरे को भी इतने साल हो गए यहाँ पे, हर साल वो मिनिस्टर बन जाता है। बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस। पर अब तो उन्होंने, अब की बार उन्हें हरक सिंह रावत को तो चुनाव में किसी पद पर खड़ा ही नहीं, उनकी बहू को तो दे दिया। हाँ। अगर मेरे को नहीं दे रहे हो, मेरे लड़के को 10 करोड़ रुपए दे दे रहे हो, तो मेरे लिए वही बहुत है, बहू को दे दिया। बात तो वही आ गई ना, 5 साल तक तुमने मलाई खाई ना जी सरकार में बैठ के, और बाद में कहते मुझे काम नहीं करने दिया। तो छोड़ता एक 6 दिन बाद, क्यों नहीं छोड़ा उसने? 6 दिन बाद रिजाइन करता, तब मानते कि मर्द है वो। ये तो नामर्दगी है इन लोगों में, ये तो बस सिर्फ सत्ता में जाना चाहते हैं, बस सिर्फ इनको सत्ता चाहिए, क्योंकि लाल बत्ती वाली गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, नोट मिल जाए, बस और कोई नहीं है। चाहे वो कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, उसके हों, झाड़ू के हों, सारे वही हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सारी सरकारें ये मिलीजुली सरकारें, और कुछ होना चाहिए? सिर्फ फौजी शासन गोली के दम पे। इमरजेंसी लगी थी एक बार, आप तो उस समय पैदा भी नहीं होंगी, इमरजेंसी के अंदर 5 मिनट पहले ट्रेन आउटर पे खड़ी होती थी, कैसे आती थी तब, आज क्यों नहीं आती है? हम लोग सिर्फ डंडे के यार हैं, बंदूक दिखाओ सब काम होता है, और कुछ नहीं होता हिंदुस्तान। ये सारे हम लोग आप सबको बेवकूफ बनाएंगे, और शाम को बैठ के सब चीयर्स करते, जब कांग्रेस का वो बना दिया बेवकूफ, तुम हमारा ध्यान रखना, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। आप बताइए, एक भी लोगों की गाड़ियां पकड़ रहे हैं, मिनिस्टरों के घर में क्यों नहीं जाते? करोड़ों रुपया कैश पड़ा हुआ है उनके यहाँ, क्या शराब अभी भी नहीं बट रही है? नोट नहीं बट रहे हैं अभी भी? सब बट रहा है यहाँ पे, मैं बताऊंगा आपको जगह। कौन सी जगह? अब वो अब हर चीज भी सब पब्लिक के सामने तो नहीं, नहीं नहीं, तो आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि मैं बता रहा हूँ, मैंने लोगों के नाम बता दूंगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप भी बच्चे, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र की बात नहीं है, बट आपसे मैं जानना चाहूंगी ना कि अगर है ऐसी जगह तो आप हमें बताओ। बहुत नहीं नहीं, ऐसे पब्लिकली मैं नहीं बताता, मैं आपको, आप मेरे को नंबर दो, मैं आपको दूंगा जगह, बताऊंगा कि यहाँ शराब का चल रहा है, यहाँ ये कंबल बट रहे हैं, यहाँ ये बट रहा है। नहीं बट रहा क्या अभी? आपको नहीं पता क्या? आप न्यूज रिपोर्टर बन रहे हो, आप ये काम कर रहे हो, आपको नहीं पता क्या? ये कोई इलेक्शन बता दो कि बगैर शराब और पैसे के हुआ हो, कोई इलेक्शन एक बता दो मुझे। आपको लगता है इलेक्शन सिर्फ पैसे दारू के दम पे चल रहा है? और क्या, वोट देने कौन जा रहा है? मीडियम क्लास वाला कोई जाता है वोट देने? वो तो छुट्टी मनाता है घर में बैठ के। वोट कौन डालता है? वो गरीब, उसको दे दो 2 कंबल रात में, 2 बोतल दे दो, वो वोट डाल देगा दूसरे दिन, जिसको कहोगे उसको डाल देगा, जिसने बोतल दी उसको डाल देगा। हमने लोगों से बातचीत की और आखिर में जो निर्णय निकल कर आया है वो बेहद दिलचस्प है, कि जो जनता है, जो व्यापारी हैं, जो रोज़मर्रा का काम कर रहे हैं, उनके लिए जो बजट है वो काफ़ी हद तक किफ़ायती नहीं करार दिया गया है। ये बेहद दिलचस्प होगा कि क्योंकि ये बजट किसी भी पार्टी के जो वोट्स हैं उनकी काया पलट कर सकता है, और ये रोमांचक रहेगा 14 फरवरी को देखना कि क्या कितने वोट्स जो हैं वो आपस में बढ़ जाएंगे इस बजट के बाद। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ मैं निशी भाटिया, देहरादून।